नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है 7:30 बज गए, और 7:30 ही बजे क्या? हाँ, और मैं घूमने गया था, घूम घाम का आ गया यहाँ पे। ये भी योग में लग रहे सारे के सारे, इधर इंदु लग रही और अंदर आंसू लग रही, और बच्चे दो तीन उठ गए और दो तीन अग रह रहे। और रसोई में क्या चल रहा प्रोग्राम, मैं दिखा दो आपको। रसोई में चल रहा है लौकी का जूस निकालने का प्रोग्राम। लौकी तो छील दी, अब जो है जूस निकाला जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो जी साफ सफाई का काम हमारा हो गया था सारा, और टाइम हो चुका है 9:30 बजने वाले, 9:20 हो गए। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में आज थोड़ा लेट हो गए, इसी वजह से कि साफ सफाई कर देते ना तो उसमें टाइम तो लगता ही है, तो इस वजह से थोड़ा लेट होगी मैं। और अब मैं नाश्ता बनाऊंगी, और नाश्ते में ये दूध, मैंने पहले बच्चों को दूध दे देती हूँ। दूध गर्म कर दिया, मीठा कर दिया, क्योंकि बच्चे अभी भूख लग रही है, नहा धो लिए मैं, तो दूध दे दूंगी, तो तब तक नाश्ता बनेगा तो इतनी भूख नहीं लगेगी। और आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी आलू की पकौड़ी। आलू मैंने बॉईल कर लिए, ये रखे, और जो भी सामान है बेसन वगैरह सारा मंगा लिया, बस रह गया पालक। पालक अभी कन्हैया को बोलती हूँ, वो लेके आएगा, और बस फिर फटाफट से आज बनाती हूँ पकौड़ी, क्योंकि 2-3 दिन से ना बारिश हो रही, तो बारिश के मौसम में पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना तो अच्छी लगती है, और सभी कह रहे हैं कि पकौड़ी बना लो, पकौड़ी बना लो। तो मैंने सोचा चलो अब बना लूँगी, फिर तो बनती नहीं दिन में, तो मगर अब नाश्ते का भी काम हो जाएगा और पकौड़ी भी बन जाएगी। और ये पता ही आपको, यूपी वालों की जो फेवरेट डिश है पकौड़ी, जब भी बारिश होती है तो सबका, यूपी वालों का यही होता है, हमारे साइड तो अक्सर यही होता है कि पकौड़ी बना लो। तो बस मैं बनाती हूँ फटाफट से, पहले दूध दे दूंगी बच्चों को। यहाँ मैं छीलने लगी हूँ आलू, और आलू मैंने सुबह ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे, जब मैं नहाने से पहले ही, जब मैं काम कर रही थी, मैं कहा ये ठंडे हो जाएंगे जब तक इनको मतलब ज़रूरत होगी। और इधर गुड्डू के पापा देने लगे हैं दूध बच्चों को, मीठा तो मैंने कर दिया था, मैंने इनको ही बोल दिया, मैंने कहा दे दो मैं ये कर लूँगी, क्योंकि टाइम लगता है फिर इन कामों को करने में। तो इन्होंने बच्चों को छान के दूध दे दिया, बोनवीटा वगैरह डाल के। नाना धोना सबका हो गया, और आसो आ गई अपने काम पे रसोई में। आज क्या तैयारी है तेरी? पकौड़ी बना रही हूँ। आलू की पकौड़ी आप तो कह रहे बड़ी सूरी बनाना, बनाना 2 दिन हो गया। वो दिनों तक कहते तो आज जाके लगी है इसमें पकौड़ी में। अपने आप ही तो मुकाओ ना, पकौड़ी बना ले, ये बना ले, अब जब बनाऊ फिर मुकाएंगे नहीं। अरे पहले बच्चों की तबीयत खराब थी ना, देगी, पहला बच्चों की तबीयत खराब थी इसलिए कह रहा था मैं। बच्चे भी दो दिन हो गए, कृष्णा नु कह रहा मम्मी पकौड़ी बना लो, कृष्णा को तो कृष्णा पकौड़ी पूरा भाग के हाथ उड़ के तू बता क्या पसंद है आपको? नहीं यहाँ बता इसमें क्या पसंद है आपको? पतौड़ी पसंद है जी। जैसा मैं कुछ कहती हूँ ना, तभी मैं क्या बनाऊँ खाने में, और क्या कहेगा एकदम से मम्मी पतौड़ी बना लो, ये भी कहता है ऐसा, पतौड़ी बना लो ना। आपकी फेवरेट है क्या पतौड़ी? अच्छी लगती है कृष्णा को। तो जी ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मैं सुबह ही कुछ नहीं नाश्ता करता, बस यही मेरा ब्रेकफास्ट है। एक मिक्सी पीना पूरी। मिक्सी का है तो 1.5 गिलास होगा बेटा। एक मिक्सी बता।
आलू तो छिल गए हैं, अब आलू छील के रख दिए हैं। अब भैया पालक भी ले आए थे गुड्डू के चाचू, तो यहाँ में दो गुच्छी पालक लेके आए थे। मैंने तो एक ही बोला था उनको, लेकिन वो ठीक करा में दो ले आए, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं निकला इसमें पालक। तो यहाँ इंदू भी आ गई है ना धो के, वो भी लग गई है, क्योंकि इनमें काम में टाइम लगता है और दो जन मिल के कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है और जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे काम है, बारीक होता है तो टाइम लगता है। तो बस सबसे पहले दोनों बहनें मिल के पालक साफ़ कर लेंगे और जो धनिया है वो भी साफ़ कर लेंगे। तो पालक हमारा साफ हो गया बिल्कुल, एक एक पत्ता करके हमने कर लिया, साफ साफ ही निकाला, और काफ़ी सारा तो खराब ही निकला, एक पन्नी तो भर के थोड़ा सा ही निकला उसमें से। और पालक डालते हैं ना पकौड़ियों में, टेस्टी लगते हैं। तो मैं धोने लगी हूँ पालक, खूब अच्छे से धोऊंगी बड़े से बर्तन में करके, क्योंकि इसमें रेत सा हो रहा बहुत ज़्यादा है। और इधर तब तक इंदू प्याज धनिया वगैरह जो है और भी जो चीज़ें चाहिएंगी वो काट लेगी। और प्याज भी आज मुझे थोड़ी सी कम लग रही, क्योंकि जो पकौड़ी बनाते हैं उनमें प्याज थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो कह भी रही थी कि 4-5 ही है। तो बस फिर मैंने मंगाई नहीं, पहले जब सब्जी मंगाने के लिए भेजे थे भैया को लेने गए थे तो मेरे याद नहीं रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि प्याज नहीं है, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार भेजना, जैसा दुकान पे भेजो जाओ। तो मैं कहने लगी, मैं कहा ठीक है जितने भी इनमें ही कर लेंगे काम। तो इधर आलू जो बॉईल करके रखे थे छील दिए थे, वो मैंने इंदू ने काट दिए हैं, बस दोनों मिलके कर रहे हैं तैयारी, और काट कूट के उसने तैयार कर दिया। अब जो पालक है वो भी मैंने धो के रख दिया था, वो निचड़ चुका है, अब मैं उसको काट लूँगी। जब तक मैं इसे काटूँगी तो तब तक इधर इंदू कढ़ाई में तेल चढ़ा देगी, क्योंकि तेल गर्म होने में भी टाइम लगता है और टाइम तो लगता ही है, ज़्यादा सा तेल रखना पड़ा है पकौड़ी के लिए, ज़्यादा तेल में ही बनती है। तो जब तक फटाफट से जो पालक वगैरह वो काट लूँगी। और इधर अब जो पकौड़ियों का बैटर है वो तैयार करेंगे, घोल जो आलू है उसमें ही इंदू ने बेसन छान लिया है और बड़ी परात में ले लिया, जिससे कि सारा जो मिक्सर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सारा बेसन वगैरह जितने भी ज़रूरत है उसी के हिसाब से उसने छान लिया। अब इसमें डाल लेगी सारे मसाले जो भी हैं, जो मैंने पालक काट के रखा है वो भी, प्याज वगैरह, हरी मिर्च, धनिया जो भी है, सारे मसाले काटे, मतलब जो भी चीज़ें काटी हैं वो सारे मिक्स कर लेंगे। अब सूखे मसाले इसके अंदर डाल लेंगे, सूखे मसाले भी अपनी मतलब इच्छा के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें धनिया डाला है, धनिया पाउडर, सूखा धनिया जो साबुत होता है, मिर्च, नमक, हल्दी और चाट मसाला वगैरह जो भी है हमारे पास वो इसमें डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है सारी चीज़ें डालने से। और पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें मतलब मसाले अच्छे डालो तो टेस्टी लगती है। तो यहाँ बस घोल तैयार कर देंगे, पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको कर लेंगे मिक्स, बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा ही डालना, बिल्कुल सूखा सूखा सा ही मिक्सचर हमें इसका तैयार करना, ज़्यादा पतला नहीं करना। और इसको बना के थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो नमक डला हुआ है ना तो थोड़ा सा पानी सा छोड़ देता है, फिर ज़्यादा पतला हो जाता है इस वजह से। तो आला सूखा सा ही रखना, मतलब कि देखिए घोल तैयार हो गया। इधर कढ़ाई में जो तेल है वो भी काफ़ी गर्म हो गया है, तेज़ी हो गया बल्कि, और बस फटाफट मैं डालने लगी हूँ पकौड़ी तलने लगी। और यहाँ क्या हुआ, ये जो कढ़ाई है इसने इंदू ने इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा चढ़ा दिया, और वो जैसा मैंने पकौड़ी डाली तो तेल निकल गया एकदम से, तो मैंने गैस बंद कर दी है और बस इन पकौड़ियों को इनमें से निकाल के, तो यहाँ मैं कढ़ाई करूँगी चेंज, क्योंकि इसमें नहीं बनेगी, इसमें या तो फिर मुझे ऑयल निकालना पड़ेगा या इसमें से, या फिर जैसा मतलब या फिर कढ़ाई चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई दूसरी चेंज कर लेती हूँ इसमें फिर, क्योंकि ऑयल ऑयल हो गया बाहर निकल के, एकदम से निकल गया सारा जैसा पकौड़ी डाली, क्योंकि सरसों का तेल कोई कोई ऐसा होता है इस पर ना उबाल सा आ जाता है इस वजह से। तो यहाँ खैर कढ़ाई चेंज हो गई है हमारी, और बस एक एक करके मैं डाल दूँगी पकौड़ी फटाफट से, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी, छोटी बनाऊंगी, क्योंकि छोटी अंदर तक अच्छे से सिक जाती है, बड़ी बनाते हैं तो अंदर से कच्ची रहती है।
डाल दी है एक बार करके, और बस इसको चलाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। और पकौड़ी सिकने में टाइम तो लगता ही है, लगभग एक बार का ही जो है वो 10 मिनट तो आराम से लग जाते हैं सिकने में। तो लगा उसको चलाते चलाते अलटते पलटते हुए कुरकुरी कर लेंगे बिल्कुल कलर चेंज होने तक, और उनको निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से फिर दोबारा फिर मैं ऐसे ही बना लूँगी सेम। और इधर मैं इंदु को भी बोल रही हूँ, मैंने कहा दे दे सबको, क्योंकि भूख का टाइम हो गया। और जब ऐसी चीज़ बनती है तो बच्चे तो परेशान होते ही हैं, और कृष्णा तो पूरा परेशान हो रहा, कह रहा मुझे गरम गरम ही दे दो मैं खा लूँगा, ऐसा बोल रहा। तो यहाँ बस मैं फटाफट उतारती गई और इंदु ने दे दी है चाय, उसने रख दी थी बनने के लिए। और जिसको दही के साथ खानी दही के साथ भी खा लेंगे, सॉस के साथ खानी सॉस के, सारी चीज़ दे देगी वो सबको। तो यहाँ बस फटाफट से आ जाओ आप भी, पकौड़ी खा लो आके, बन के तैयार होगी। तो यहाँ सबको दे दिया है, बच्चे भी गुड्डू के चाचू भी दोनों बैठे हैं खा रहे हैं। और गुड्डू की चल रही थी क्लास, और बस मैं बनाती गई वो देती गई सबको। तो मैं खा ही रहे थे, मैं बस बनाती गई उनको दे दी है। और इधर बस अब मैं करने लगी हूँ बर्तन, क्योंकि कढ़ी मतलब पकौड़ी बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो वह सीखेंगी जब तक मैं कब मैं बर्तन कर दूँगी थोड़े थोड़े करके, क्योंकि बर्तन भी ढेर लग जाता है। कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, कितने ही सारे हो रहे। और सुबह तो एक बार मैंने कर भी दिए थे एक बार, कई कई बार सुबह के टाइम तो 3-4 बार हो जाते हैं बर्तन। तो यहाँ मैंने सोचा चलो जब तक सीखेंगी मैं कर दूँगी, तो यहाँ फटाफट धो दूँगी सारे बर्तन। और इधर बस जब मैं बर्तन धो रही थी तो वे पकौड़ी हो गई थी, तो इंदु तारने लगी है, और इसी तरीके से जैसे मैंने बनाई है सेम उसी तरीके से ये भी बना देगी पकौड़ी, क्योंकि एक ही तरीका है दोनों बहनों का। अधिकतर आपने देखी होगी हमारी रेसिपी भी बनते हुए सेम ही तरीके से बनाते हैं हम, क्योंकि जो घर में हमने सीखी वहाँ भी ऐसे ही दोनों बहनों ने एक साथ सीखी, और यहाँ पे भी ससुराल में भी। तो ज़्यादातर जो भी रेसिपी हम बनाते हैं सेम ही बनाते हैं, तो बस इसी तरीके से ये भी सेक देगी फटाफट। तो सीख चुकी है सारी, मैंने जो किचन के एक्स्ट्रा काम थे वो कर लिए, अब बस सबने तो खा ली थी, अब हम दोनों बहनों का नंबर आ गया तो हम भी बैठ गए हैं। और कृष्णा देखे हमारे साथ भी बैठ गया, और उसको मिर्ची लग गई, वो कह रहा मुझे मिर्ची लग गई फटाफट पानी दे दो, लेकिन खाने से पीछे नहीं हट रहा, मिर्च चाहे कुछ ही लग जाओ। और पकौड़ी इतनी नहीं खाता जितना सॉस खाता है, सॉस तो इसको मिल जाता है ना, तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, सबका सॉस जैसा सब खाते हैं उनके पास ही बैठ के उनका साफ कर देता है। तो जी खाना पीना हो गया हमारा, और बस उसके बाद रहेगी किचन की क्लीनिंग, फटाफट से वो भी कर दूँगी। अब है दोपहर का टाइम, और 2 दिन से ये कपड़े धुले हुए रखे, और ये कल इंदु ने धोए थे, कल क्या परसों धोए थे। तो बारिश का मौसम 3 दिन से हो रहा, लगातार बारिश सी हो रही, आज भी सुबह से फुहार सी हल्की हल्की पड़ रही। तो अब मुझे लग रहा था मैंने कहा थोड़ा सा खुल जाएगा तो चलो इनको फैला दूँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, फटाफट से फैला देती हूँ, सूख जाएंगे क्योंकि बच्चों की ड्रेस भी है। और फिर मैं आ गई थी नीचे, बस ये कहने लगे कि मेरे सर में मालिश कर दे, इनके सर में दर्द सा हो रहा था हल्का हल्का सा, तो मैं कहा चलो कर देती हूँ। और इधर बच्चों को तीनों को मैंने लगा दिया है साफ़ सफाई करने में, गुड्डू ट्यूशन चली गई थी, तीनों को क्या चारों को ही, ईसु पीयू रूही और कृष्णा, पूरे घर में जैसा कितना भी सफाई कर लो, ये शाम का टाइम है लगभग 4 बज चुके हैं, और कितना भी कर लो फिर भी कुछ कभी कुछ गिरा दो कभी कुछ गिरा दो। तो मैंने बोला मैंने कहा मैं किचन में कर रही, किचन में भी पूरा फैला पड़ा, क्योंकि दोपहर के टाइम शाम के टाइम बच्चों ने सब ने बड़ों ने खाया पिया तो ऐसे ही पड़ा था भरा। मैं कहा मैं किचन कर देती हूँ जब तक तुम पूरे घर की क्लीनिंग करो, तो तीनों बच्चों ने मिल के कर दिया बहुत अच्छी तरीके से, ईशु ने झाड़ू लगा दी। तो उसके बाद बस मैं आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने, पहले तो जो ये 2 दिन पहले सूखे पड़े थे कपड़े ये भी ऐसे ही रखे थे, तो ये कर दिए, फिर मैंने जो आज के थे वो कर दिए उतार के। तो जी देखिए प्रेस हो गई है, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे जो आज के थे फैलाए हुए, वे भी मैंने उतार लिए थे, तो प्रेस के प्रेस हो गए। अब बस ये रह गए बिना प्रेस के, इनके तय करके धरूंगी
और बस फिर उनको अलमारी में लगा दूंगी। और शाम का टाइम हो गया, अब खाना खुना भी बनाएंगे और वीडियो को रोकूंगी मैं अभी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।